भांकरोटा स्थित श्री वेद माता गायत्री मंदिर में सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार आयोजित किया गया। आर्क दिग्दर्शक संस्था के संस्थापक विजय शंकर पांडे ने बताया कि सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार के में 15 ब्राह्मण बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया गया। डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने प्रातः ग्रह शांति की पूजा अर्चना कराई गई। बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार के लिए मुंडन स्नान के पश्चात पंचगव्य प्रशासन बटुकों को खीर खिलाकर पीले वस्त्र धारण करवाए। शुभ मुहूर्त में बटुकों को हवन में बैठाकर संत महंतों के सानिध्य में यज्ञोपवीत धारण कराकर गुरु मंत्र के दीक्षा का आयोजन हुआ। इस मौके पर गंगा लहरी के पाठ का आयोजन विद्वान पंडितों के द्वारा किया गया। इस मौके पर माता गायत्री के फूलों की आकर्षक झांकी सजाई गई। संप्रदाय पीठाधीश्वर अलबेली माधुरी शरण जी महाराज काले हनुमान मंदिर के महंत गोपालदास महाराज प्रवीण बड़े भैया परकोटा गणेश मंदिर के अमित शर्मा चांदी की टकसाल काले हनुमान मंदिर के योगेश शर्मा महामंडलेश्वर नर्मदा शंकर महाराज गीता गायत्री मंदिर के राजकुमार महाराज महानगर टाइम्स के गोपाल शर्मा ने आयोजन में शिरकत कर माता गायत्री की महाआरती की गई। आयोजन में पधारे संत महंतों का माला दुपट्टा प्रसाद देकर सम्मानित किया गया। भक्ति भक्त भगवान गुरु चतुर नाम बतुए इनके पर बंधन के नाश करने गुरु वेद माता करके भारतीय सनातन धर्म संस्कृति की एक परंपरा में 16 संस्कार के अंतर्गत हमारी इस वेद परंपरा में यज्ञोपवीत संस्कार उपनयन संस्कार विशेष तिथि पर किया है। सौभाग्य से इस वर्ष जो हमारी चैत्र एकांश जो हमारी सनातन अविरल धारा जो बहने लगी उस परंपरा में आज गंगा दशमी के अवसर पर आशिक संस्कृति ट्रस्ट द्वारा ये आयोजन लगभग 26 वर्षों से निरंतर अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। जयपुर के परम आराध्य श्री राधा गोविंद देव जी के श्री चरणों में भी अनेक बार आयोजन होते हैं। आज दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी भारतीय सनातन संस्कृति का उत्थान हो और धातु की कृपा से जगह जगह ये संस्कृति के जो भाव हैं सब जगह पहुँचे, आने वाली पीढ़ी इन भावों को समझे। उसी क्रम में आज पूज्य आचार्य चरणों के सन्निधि में यहाँ ग्राम कुचाला के अंदर सम्माननीय पूज्य आचार्य चरण श्री सुख संप्रदाय पीठाधीश्वर श्री अलबेली माधुसिंह महा महामंडलेश्वर श्री नर्मदा शंकर जी गीता गायत्री मंदिर के महेंद्र श्री राजकुमार जी साहब और अन्य जयपुर शहर के प्रमुख समाज सेवी सब पधार कर इस भव्य कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज के इस आयोजन की कड़ी में विद्वान में डॉक्टर प्रशांत शर्मा जी के निर्देशन में सम्मानीय श्री विजय शंकर जी पानी जी के निर्देशन में ये भव्य आयोजन सबकी उपस्थिति में भव्य रूप से किया जा रहा है। इस पावन पर्व की मैं सुख संप्रदाय आचार्य पीठ सरस्वती मंगल बधाई देता हूँ। पूज्य आचार्य चरणों के समय में हमें सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। श्री सम्मानीय अंजन कुमार जी गोस्वामी जी साहब श्री चांदी की टकसाल के श्री महन श्री महन गोपाल राज जी महाराज साहब पूज्य श्री त्रिवेणी सरकार श्री रामचित महाराज इन सबकी कृपा का आशीर्वाद लेके ये आयोजन संपन्न होने जा रहा है। आप सबके माध्यम से मैं इस पर्व की सबको मंगल शुभकामना देता हूँ। विजय शंकर जी पांडे जयपुर के धर्माचार्य कई वर्षों से उपनयन संस्कार का आयोजन करते हैं, उसी श्रृंखला में आज की कड़ी है और उपनयन संस्कार उन 16 संस्कारों के अंदर मुख्य संस्कार है जिसमें बालक प्रविष्ट होकर धर्म कर्म की बात सोच सकता है। तो इसलिए गोविंद देव जी की नगरी में 16 संस्कारों की श्रृंखला में उपनयन संस्कार की शुरुआत करना, इसके लिए विजय शंकर जी पांडे के बहुत बहुत आभारी हैं। और आज के शुभ अवसर पर सरस निकुंज के अलबेली शरण जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित, इससे ज़्यादा गौरव की कोई बात नहीं हो सकती। और आप सभी ने अभी देखा होगा कि उपनयन संस्कार के दौरान हर तरह की वैदिक प्रक्रिया का पालन हो रहा है, जैसे भिक्षाटन करना, यज्ञोपवीत होना, काशी की यात्रा का सांकेतिक प्रस्थान करना, इस तरह से सभी कार्य हो रहे हैं। तो ये प्रभु की कृपा है कि जयपुर 16 संस्कारों में आगे बढ़ रहा है और विजय शंकर जी पांडे के प्रति बहुत बहुत आभार और उनका अभिनंदन।